पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को अपने राज्य से अहमदाबाद में 25,000 शून्य बिजली बिल लेकर आए और कहा कि अगर गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो गुजरात के लोगों को इसी तरह के बिल मिलेंगे। भगवंत मान ने यहां के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में 75 लाख घरों में से 61 लाख को शून्य बिजली बिल प्राप्त हुआ है, जो आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि वे जो कहती है करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादा किया था बिजली फ्री करने का, तब भी कह रहे थे कुछ विरोधी पार्टियों वाले कैसे हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि पंजाब में भी हम बिजली फ्री करेंगे और ये हमारी गारंटी है, तब भी जो विपक्ष था वो कह रहा था पैसे कहाँ से आएंगे ये वो। हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूँ आपके सामने जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं, 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है। हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने 15 अगस्त तक जनतक कर दिए, वो चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। 26 जनवरी तक हमारा टीचा 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक और बनाने, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, सेंटर की एक कमेटी है उसने चेक भी किए हैं और वो संतुष्ट हुए हैं, सेटिस्फाई हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं। हमने गारंटी दी थी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की, ओपीएस का हमने नोटिफिकेशन दे दिया, कैबिनेट में बात हो गई, बस आने वाले दिनों में उसका जो खरड़ा तैयार करके मुलाजिमों के साथ बैठकर और वो भी हम चालू कर देंगे देने के लिए। सरकार का काम है टैक्स लेना और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पंजाब में, 9 पहले बने हुए हैं, 23 जिले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज बनाने का आइडिया तब आया जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी और कितने लड़के लड़कियां जो हमें यहाँ लेके आने पड़े जहाज भर के उसमें पंजाब के भी बहुत से लड़के लड़कियां थे, वो मुझसे मिले, वो कोई नलायक स्टूडेंट नहीं थे, 99.1, 99.2, 99.3, 4% नंबर थे। यहाँ एडमिशन नहीं मिली, कहाँ, यहाँ कोटा सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट का कोटा है, ये फलां का कोटा है, फलां का कोटा है। 25 साल पुराने आज़ाद हुए मुल्क में वो जाके पढ़ रहे हैं, हम 75वीं मना रहे हैं। तो मेडिकल हब बनाएंगे पंजाब को हम, तो गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 8 महीने पहले पंजाब में ऐसे ही था, लोग अपने आप बाहर आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ मिलाते थे, फूल डालते थे गाड़ी पर, बिल्कुल सेम है। तो 27 साल पुरानी जो चक्की है, जो जनता को महंगाई की चक्की पीस रही है, गरीबी की चक्की पीस रही है, बेरोजगारी की चक्की पीस रही है, उस चक्की को बदलने के लिए लोग तैयार हैं उखाड़ कर फेंकने को। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।